नमस्कार दोस्तों, विनय की पाठशाला में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में आपको हमने बताया था कि परिमेय संख्याओं में ये कैसे जानेंगे कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है और कौन सी परिमेय संख्या छोटी, उसी के क्रम में उसके आगे की जो एक्सरसाइज थी अभ्यास फर्स्ट सी, उसके प्रश्न हमने आप लोगों को घर से करने को दिए थे। कुछ लोगों ने किए होंगे, बहुत अच्छी बात है। जिसने नहीं किए हैं उनके लिए ये वीडियो लेके आए हैं। बच्चों, पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न जो है उसमें हमें ये बताना है कि निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में से कौन बड़ी है, और जाहिर सी बात है दो में अगर एक बड़ी होगी तो दूसरी परिमेय संख्या हमारी छोटी होगी, तो वही हमें बताना है। तो ये दोस्तों जो है -4/9 और -7/9, इसमें हमें ये पता करना है कौन बड़ी है कौन छोटी। तो जो सबसे पहला नियम मैंने बताया था कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऐसा तो नहीं है एक संख्या धनात्मक हो और दूसरी संख्या ऋणात्मक, तो वही बात यहाँ पे लागू हो जाती है। -4/9 इसमें माइनस का चिन्ह लगा है और दूसरी संख्या जो 7/9 है उसमें प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये प्लस वाली संख्या मेरी बड़ी होगी और माइनस वाली संख्या मेरी छोटी होगी। तो ये तुरंत प्रश्न जो है सॉल्व हो गया कि ये 7/9 मेरी बड़ी परिमेय संख्या हो गई। अब आगे चलते हैं। दूसरा है -3/4 और -5/8। इसमें दोस्तों देख रहे होंगे कि दोनों परिमेय संख्याओं में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो सबसे पहला काम हम करेंगे इन दोनों परिमेय संख्याओं का हर जो है वो बराबर करें। तो इसमें 2 का गुणा कर दिया तो ये हो गया -6/8, और इधर मेरा पहले से ही -5/8 बना हुआ है। अब हर बराबर हो गया है, तो दोस्तों याद रखने वाली बात है, पिछले दिन बताया था कि जब माइनस चिन्ह लगा होता है तो अंश में जो संख्या बड़ी होती है वो हमारी हो जाती है छोटी संख्या, और जो छोटी होती है वो हो जाती है बड़ी संख्या। समझ गए होंगे आप लोग। तो इस दृष्टिकोण से मेरी कौन सी संख्या बड़ी हो गई, -5/8। बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं कौन पहले कर लेता है। तीसरा क्वेश्चन -7/12, इसमें भी दोस्तों देखेंगे दोनों तरफ माइनस का चिन्ह है, तो हम हर बराबर करेंगे और उसका सीधा सा फंडा इधर 8 का गुणा कर देते हैं और इधर 12 का गुणा कर देते हैं। हर बराबर करने के और भी तरीके हैं बच्चों, बताए थे हमने, आगे भी बताएंगे। तो ये हो गया -7/56/12/96, और इधर 12/5/60, और ये माइनस चिन्ह जो नीचे है इसे ऊपर ही लिए आओ, और ये भी हो जाएगा 12/8/96। अब यहाँ पे बच्चों दोनों तरफ माइनस चिन्ह लगा हुआ है, तो जो ऊपर वाले प्रश्न में नियम लगाया था वही इसमें भी हो जाएगा कि माइनस चिन्ह लगने से बड़ी वाली संख्या मेरी छोटी हो जाती है, और इधर अंश में बड़ी संख्या है 60, तो ये मेरी छोटी होगी -7/96, और ये -56/96 मेरी इसके अनुपात में ये बड़ी हो गई। तो इसमें बड़ी संख्या मेरी ये हो गई, तो इधर ये वाली संख्या मेरी बड़ी होगी, तो इधर लिख देंगे अतः -7/12 कैसी संख्या होगी मेरी, बड़ी। अब चौथा पहले का ही ये इसको करो, देखे कौन कर लेगा सबसे पहले। -5/9 और इधर हो गया -3/-13। इसमें बच्चों ये देखो माइनस चिन्ह जो है वो ऊपर नीचे दोनों तरफ है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो जो सबसे पहला नियम था उसके अनुसार सबसे पहले हम यही देखते हैं कि कौन सी संख्या, अगर एक माइनस है एक प्लस है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, और वही काम यहाँ पे हो जाएगा। 5/9 मेरा ऋणात्मक है और 3/13 धनात्मक है, तो यहाँ पे सीधा सा 3/13 मेरी संख्या हो गई बड़ी और -5/9 हो गई छोटी। उम्मीद करते हैं कि पहला प्रश्न आप लोग समझ गए।
अब बच्चों दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और दूसरा प्रश्न ये है कि कौन सी परिमेय संख्या दो में से छोटी है। आप पढ़ सकते हैं प्रश्न को, निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है। तो इसमें हमें हमने बताया था दो में से अगर एक संख्या बड़ी होगी तो दूसरी संख्या कैसी होगी, छोटी होगी, सामान्य सी बात है। तो पिछले प्रश्न में हमने बड़ी संख्या निकाली थी, तो इसमें हम छोटी निकाल देंगे। जो काम पिछले प्रश्न में किया था वही यहाँ पे। तो सबसे पहला प्रश्न देखो दोस्तों, ये -4/9 और ये इधर माइनस चिन्ह नीचे है तो इसको भी ऊपर लिए जाएंगे, -5/9। अब हर बराबर है मेरा, माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो अंश में जो बड़ी संख्या होगी वो हो जाएगी मेरी छोटी, और जो छोटी संख्या होगी वो हो जाएगी बड़ी। तो इस हिसाब से मेरी कौन सी संख्या छोटी हुई, -5/9। तो इसके आधार पे ये संख्या मेरी छोटी हुई। तो ये हो गया। अब दूसरा खा नंबर, बहुत सरल प्रश्न है बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारे लगाने से पहले ही आप लोग इसे लगा लें। दूसरा है 6/11 और -7/-11। अब इसमें हम क्या करेंगे, इधर ऊपर भी माइनस है और हर में भी माइनस है, जब अंश और हर दोनों में माइनस होता है तो माइनस माइनस कट जाता है। तो इधर हो गया 6/11 और इधर हो गया 7/11। दोस्तों हर मेरा बराबर है, माइनस चिन्ह भी नहीं लगा है, तो अंश में जो बड़ी संख्या है वो हो जाएगी मेरी बड़ी, और जो छोटी संख्या है वो हो जाएगी छोटी। तो कौन सी संख्या छोटी होगी इसमें, 6/11। तो 6/11 मेरी छोटी परिमेय संख्या होगी। आगे वाला प्रश्न बच्चों, हाँ 16/-7 और इधर है 3। बच्चों एक बात आपको पहले भी बताई थी, जब ये पूर्णांक लिखा है 3 तो इसको परिमेय संख्या में बदलने के लिए बटे में कितना कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं। अब दूसरा इधर एक संख्या धनात्मक है दूसरी ऋणात्मक है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, माइनस वाली संख्या मेरी छोटी हो गई और प्लस वाली बड़ी हो गई। तो ये 16/-7 मेरी छोटी परिमेय संख्या हो गई। लास्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का, 4/-3 और एक तरफ है -8/9। तो बच्चों पहला काम तो हम ये भी करते हैं कि माइनस चिन्ह अगर नीचे है ऊपर नहीं है तो इसको हम ऊपर लिए आते हैं। तो ये हो गया -4/3 और ये हो गया इधर वही -8/9। अब बच्चों हम हर बराबर करेंगे, इधर 9 है इधर हम 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये मेरा एक तरफ हो गया -12/9 और दूसरी तरफ -8/9। तो इसमें बच्चों दोनों तरफ माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो बड़ी वाली संख्या मेरी हो जाएगी, अंश में जो संख्या बड़ी होगी वो हो जाएगी मेरी छोटी परिमेय संख्या, और अंश में जो छोटी संख्या होगी वो हो जाएगी मेरी बड़ी परिमेय संख्या। तो छोटी संख्या है 8 तो ये मेरी हो जाएगी बड़ी, और ये 12 है बड़ी तो ये -12/9 हो जाएगी मेरी छोटी। तो इसके अनुसार ये संख्या मेरी छोटी परिमेय संख्या हो जाएगी। समझ गए होंगे आप लोग, एक बार फिर से आप लोगों को बता देते हैं। तब तक बच्चों सबसे पहले बड़ी और छोटी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कोई एक संख्या धनात्मक है दूसरी ऋणात्मक, अगर ऐसा है तो बड़ी वाली संख्या हो जाएगी धनात्मक वाली बड़ी, और ऋणात्मक परिमेय संख्या मेरी हो जाएगी छोटी। इसके बाद अगर दोनों में धनात्मक चिन्ह है तो हर बराबर करेंगे, और अंश में देखेंगे जो भी बड़ी संख्या होगी वही परिमेय संख्या मेरी बड़ी हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर दोनों परिमेय संख्याओं में ऋणात्मक का चिन्ह है तो हर बराबर करने के बाद जिसका अंश छोटा होगा वो संख्या मेरी, वो परिमेय संख्या बड़ी हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 अपना आता है, और ये प्रश्न जो है निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है और सही उत्तर को हमें छांटना है। तो पहला है परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी। बच्चों इसमें क्या करना है,
हमें ऐसी संख्या देखनी है जिसके पहाड़े में दोनों हो, तो ये मतलब जिसमें जिसका भाग दोनों संख्याओं में चला जाए, अंश और हर, तो ये दो, दो दूनी चार और दो निम्मा 18, देख लिया होगा आपने। तो ये ऊपर हो जाएगा माइनस दो और नौ, तो किस में है ये पहले वाले, ठीक है ना। इसमें क्या है कि दो बटे नौ और ये माइनस चिन्ह ऊपर था, तो ऊपर का माइनस चिन्ह नीचे हो जाए या ऊपर हो जाए कोई मतलब नहीं, समझ गए होंगे आप। तो ये यहाँ पे मैंने यही लगाया है। इसके बाद ये मेरा कौन सा सही था, पहला सही था। अब दूसरा है परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या, तो ये कैसे करेंगे बच्चों, 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या। तो इसमें हमें सबसे पहले ऑप्शन देखने हैं कि ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। तो ये ऑप्शन में बच्चों बटे में 10 है सभी में, तो इसको भी हम ये हो जाएगा, ये इसमें अगर 2 का गुणा कर दें ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 6, ऊपर 3 × 6 और नीचे 5 × 10। तो अब 6/10 से बड़ी कौन सी संख्या है, 7/10। ये तो 4/10, ये तो छोटी हो गई, -4/10 ये और छोटी हो गई, 6/10 ये बराबर हो गई, और जो चौथा ऑप्शन है तो इसमें अंश में 6 से ज्यादा है 7, तो ये मेरी बड़ी होगी। तो इसमें कौन सा सही होगा, 7/10, और ये चौथा ऑप्शन तुम्हारा सही। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या। इसमें भी बच्चों देखो नीचे 18 है और 27 है हर में, तो अगर 18 लाएंगे तो इसमें करेंगे 2 का गुणा, तो ऊपर हो जाएगा 4 × 8 और नीचे 9 × 18, और अगर 27 लाएंगे तो करेंगे गुणा हम ऊपर नीचे 3 का, तो ऊपर हो जाएगा 4 × 3 = 12 और नीचे हो जाएगा 9 × 3 = 27। बच्चों गुणा करते हैं तो ऊपर नीचे बराबर संख्याओं का करते हैं, तो ये हो गया। अब हमें छोटी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो -11/18 यही छोटी है, क्यों, इसमें माइनस चिन्ह लगा हुआ है और बाकी तीनों में प्लस चिन्ह लगा हुआ है, तो ये हो गया बच्चों। अब जो इसका लास्ट पॉइंट है परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या कौन है। तो इसमें बच्चों 0/-5 यानी ये हो गई 0, कितनी हो गई 0, और बड़ी देखना है तो इससे धनात्मक में जाएगी, ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक। तो दूसरा वाला पॉइंट है इसमें -2/-7 है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और ये मेरा आ जाएगा 2/7, तो ये संख्या मेरी 0 से बड़ी हो जाएगी, समझ गए होंगे आप लोग। तो इसको ऐसे लिख दिया 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या ये हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे, ये मेरा धनात्मक आ जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसमें बच्चों हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, और इसमें हमें कोई भी एक जो उपयुक्त चिन्ह होगा उसको हमें भरना होगा। इसमें कौन संख्या बड़ी है, कौन संख्या छोटी है, या दोनों बराबर है। तो बच्चों इसमें आप देख रहे होंगे पहली संख्या ऋणात्मक है और दूसरी संख्या धनात्मक है, तो कुछ सोचना ही नहीं है, तुरंत ऋणात्मक संख्या छोटी हो गई, धनात्मक संख्या बड़ी हो गई, समझ गए होंगे आप लोग। अब जो दूसरा रिक्त स्थान है उसको देखते हैं, ये हो गया। इसमें बच्चों दोनों में ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है, तो इधर हर बराबर करेंगे सबसे पहले, तो इधर 5 का गुणा मैंने कर दिया, और इधर था 7/, तो इधर मैंने 7 का गुणा कर दिया। अब बच्चों इसमें कितना हो जाएगा, एक तरफ -28/35 और दूसरी तरफ -25/35, तो इसमें बच्चों चूंकि दोनों में ऋणात्मक चिन्ह है तो बड़ी वाली संख्या हो जाएगी मेरी छोटी, इसमें भी मेरा ये वाला चिन्ह आ जाएगा, समझ गए होंगे आप लोग। अब इसका घ नंबर -7/8 और एक तरफ है -21/-24। दोस्तों अगर नीचे माइनस चिन्ह है तो ऋणात्मक चिन्ह को हम ऊपर लिए जाते हैं, साथ ही साथ हमें हर बराबर करना है, तो इधर हमें
पहली वाली परिमेय संख्या में तीन का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगी मेरी माइनस 21 बटे माइनस 24, और इधर भी माइनस चिन्ह ऊपर लिए जाएंगे तो माइनस 21 बटे 24 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों परिमेय संख्याएं मेरी समतुल्य हो गई यानी बराबर हो गई, तो इसमें रिक्त स्थान में हम लगा देंगे बराबर का चिन्ह। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, हम चाहते हैं कि बच्चों आप लोग हमसे करने से पहले कर लें। तो ये एक तरफ माइनस 9 बटे माइनस 10 और एक तरफ है 8 बटे 9, तो ये माइनस चिन्ह ऊपर और नीचे दोनों तरफ है तो ये कट गया, तो ये हो जाएगा 9 बटे 10 और ये हो गया 8 बटे 9। बच्चों यहाँ भी हमें हर बराबर करने होंगे तो 9 का गुणा हम ऊपर नीचे अंश और हर में कर देंगे, और इधर 10 था तो इधर हम 10 का गुणा अंश और हर में कर देंगे, तो इधर हो जाएगा 9 निम 81 बटे 10 निम्मा 90, और इधर हो जाएगा 80 बटे 10 निम्मा 90। अब बच्चों दोनों धनात्मक संख्याएं हैं तो जो बड़ी वाली संख्या होगी अंश में वही मेरी परिमेय संख्या बड़ी होगी, और जो छोटी संख्या होगी अंश में वो परिमेय संख्या मेरी छोटी हो जाएगी, तो इसमें मेरा ये वाला चिन्ह आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को ये प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक आपको समझ में आ गए होंगे। बचे हुए जो प्रश्न हैं वो अगले वीडियो में आप लोगों को बताए जाएंगे, तब तक आप लोग इन्हीं प्रश्नों का अभ्यास कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।